हरे कृष्णा बहनों भाइयों, वेलकम टू द पार्ट 9 ऑफ लियो ट्यूटोरियल सीरीज। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लियो के एकदम चमकदार टकले, एकदम टकाटक टकले को रिटोपो किया था। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू रिटोपो द अपर बॉडी ऑफ लियो। लियो का जो अपर बॉडी है जिसमें हाथ और शर्ट आता है उतना करेंगे इस पार्ट में। ज्यादा रश नहीं करूंगा क्योंकि क्या है कि ना, हैंड का रिटोपोलॉजी बहुत ज्यादा टफ होता है, स्पेशली पाम का। तो मैंने सिखाते वक्त भी बताया है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हो सकता है, इसलिए ध्यान देना एंड वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। एंड लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा बहनों भाइयों, वेलकम टू द पार्ट 9 ऑफ लियो ट्यूटोरियल सीरीज। और आज विल कंटिन्यू विथ आवर रिटोपोलॉजी। यस, सो लास्ट टाइम तुम लोगों को पता है हम लोगों ने ये हेड का रिटोपोलॉजी खत्म किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द चलो शर्ट से स्टार्ट करते, ठीक है। सो सेम जैसे हम लोगों ने हेड के लिए किया था वैसे ही ये जो शर्ट है इसको डुप्लीकेट करूँगा। देन मूव इट टू डेसिमेटेड मैश, कलेक्शन को हाइड कर दो, कलेक्शन हाइड, हाँ, डेसिमेटेड मैश को ऑन करो। एंड ये बहुत ज़्यादा हाई पॉली है तुम्हें पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई पॉली है, तो इस हाई पॉली को हमें डेसीमेट करना है। एंड इसीलिए मैं इसको डेसीमेटेड वाले जो कलेक्शन है इसमें लाया। लेट्स डेसीमेट इट एंड इसको 0.5 कर देता हूँ। एक सेकंड, अभी कितना है, इट इज़ अराउंड 4 लाख समथिंग, ठीक है, 4 लाख तक है। विल ट्राई टू ब्रिंग इट अप टू 1 लाख, तो 0.25 करते, ठीक है, 0.25 एंड देन विल वेट, ठीक है। एंड बस होने वाला है और ये अपना डेसिमेशन हो गया। नाउ इट इज समवट 2 लाख फेसेस, बट इट्स फाइन, चल जाएगा। तो लेट्स अप्लाई द डेसिमेटेड मॉडिफायर, और मैंने अप्लाई कर दिया एंड लग गए, ओके, चालू हो गया। लेट्स हाइड दिस एंड दिस इज द आईब्रोस। चलो नेमिंग भी कर देंगे हम लोग साथ ही साथ आईब्रोस। सो ये था हेड, ये आईब्रोस, और अभी हमें इस शर्ट को रिटोपोलाइज करना है। एंड मैंने हाथ के थोड़े से रिटोपो के रेफरेंसेस निकाल लिए, ठीक है, जैसे फेस के निकाले थे और बाकी हेड के निकाले थे, वैसे ही मैंने हैंड्स के भी निकाल लिए क्योंकि हम लोग इस वाले में हैंड भी ख़त्म करेंगे एंड अपने को आर्म्स का इसमें से मिल जाएगा, ठीक है, आर्म्स में उतना कुछ है भी नहीं, मिल जाएगा इसके लिए। एंड आर्म्स अपना यही है, शर्ट ही आर्म्स बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट, बट उससे पहले मैं एक चीज़ देखने दो कि इसका प्लानिंग कैसे करना है। ओके, ये वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट में जब हाथ नीचे लेगा ये, तो यहाँ पे समझो इसने हाथ नीचे लिया, वी नीड सम काइंड ऑफ दिस पल्च, ठीक है, यहाँ पे इसका रैप्स शोल्डर, आफ्टर दैट ये बाइसेप वाला आर्म एंड देन नीचे आएगा। सो हम लोग को ये एक टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए हम लोग को कुछ इस तरीके के ऐसे लूप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, सर्कुलर लूप्स और यहाँ पे ऐसे लूप्स, तो एक्स्ट्रा लूप्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग जब रिग करेंगे इसको तो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री की वजह से वो 90 डिग्री वाला जो चाहिए रहता है ना अपने को, मतलब अपने हाथ जैसे तुम नीचे करोगे वैसे ही वहाँ पे देखना 90 डिग्री बनता है एक तुम्हारे शोल्डर पे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिटोपो फ्लो। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गया, तो मैं वापस बाहर जाऊँगा रिटोपो फ्लो के, ये मैश जाएगा रिटोपो में, ठीक है, इसको हम लोग डालेंगे, इसका नेम देंगे शर्ट अभी के लिए, शर्ट रे सजर्ट नहीं शर्ट, यस, अभी के लिए इसको शर्ट देंगे। एंड एडिट मोड फुल स्क्रीन एंड स्टार्ट रिटोपो फ्लो। ओके, सो हम लोग आ गए रिटोपो फ्लो में। एंड ये शर्ट वाला पार्ट है ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सबसे पहला तो सिमेट्री ऑन करने का इन द एक्स डायरेक्शन, एक सिमेट्री ऑन कर दिया मैंने, और अभी हमको लूप्स बनाने, तो लूप्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोर्स, ठीक है, कॉन्टोर्स से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मेक
बन नहीं रहा है बराबर से, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, नहीं बन रहा एकदम एच पे, मतलब मैं एच पे बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बन नहीं रहा था, तो कोई नहीं, मूव टूल से कर लेंगे उसके बाद। ओके, यहाँ पे कॉन्टोर बन गया, वी नीड कॉन्टोर्स ओवर हियर लाइक दिस एंड वन मोर लाइक दिस। नाउ लेट्स ऐड सम लूप्स, सपोर्टिंग लूप्स यहाँ पे भी। ओके, और अभी हमें जो शेप बनाना है वो मैं बता दो कैसे बनाना है। एक स्पेशल शेप बनाना पड़ेगा अपने को विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्ट्रिप्स, मतलब जो मैं टूल्स यूज़ कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है तुमको वही टूल्स यूज़ करके वैसा ही शेप बनाना है। रीटोपोलॉजी करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं अलग अलग, एंड तुम लोग किसी भी टूल से कुछ भी कर सकते हो, बट मुझे जो टूल यूज़फुल लगता है एंड जिससे मैं फटाफट कर पाता हूँ वो टूल यूज़ करूँगा सिंपली। एंड मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ड्रॉ किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द चेस्ट अप टिल द मिड पार्ट ऑफ द लिम्ब, आर्म्स के मिड तक मैंने किया है। ठीक है, नाउ आई विल कंटिन्यू यहाँ से पूरा एंड वापस कनेक्ट कर देता हूँ, डन। सो आई गेस हम लोग को वहाँ पे एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा बाद में, बट अभी मैं उतना कुछ सोच नहीं रहा। और ये हमको क्या हेल्प करेगा, जो हमें एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए, वो हमें इसमें से क्रिएट करना है, और ये हमें क्रिएट करने में हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ट्विक, और इसको थोड़ा सा ट्विक करूंगा मैं, मेजर एज लूप है ये। ठीक है, ये मेजर एज लूप्स होते हैं, अगर मैं तुमको रेफरेंस में दिखाऊं, ये देखो यहाँ से नीचे स्टार्ट हुआ, देन ऊपर गया अपने आर्मपिट से देन अपने इसको क्या कहते हैं, डेल्टॉइड्स में चला गया। यहाँ पे मैंने कुछ वैसा ही बनाया, ठीक है, कोई शक। बाद में हम लोग काउंटिंग वगैरह कर लेंगे, मैं बता दूंगा, अभी के लिए इवन रखो जितना हो सके, और नहीं तो तुम लोग को पता चल ही जाएगा ना, तुम लोग पहले वीडियो देखोगे एंड देन बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम लोग को तो पता चल ही जाएगा कि मैंने कहाँ पे कितने लूप्स रखे, तुम लोग काउंट भी कर सकते हो। मोस्टली मैं सामने 4 रख रहा हूँ, पीछे 4 रख रहा हूँ, एंड देन बीच का जो भी रहेगा इट विल फिल द आर्म। ठीक है, अब हमें जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए था वो हम ऐसे बनाने वाले, पॉलीपेन नहीं, स्ट्रोक्स, ये 4 पकड़े मैंने और मैं यहाँ तक स्ट्रोक बनाऊंगा, 3 काफ़ी है, एंड आई नीड सम एक्स्ट्रा पॉलीग्राउंड ओवर हियर जो जाएगा इसके साथ कनेक्ट होकर। मुझे इस पॉली लूप को लेना है एंड पॉलीपेन टू, ये जो एक एच था जो क्री चौथे के बाद वाला पांचवा फेस से मैंने स्टार्ट किया लूप्स कनेक्ट करना, मैंने लूप बिल्ड करना, एंड मैं इसको पूरा एंड तक बिल्ड करने वाला हूँ, एंड इसको कनेक्ट करूँगा वापस से 1 2 3 4 छोड़ के 5 पे। ओके, ठीक है, अभी तक हमारा इतना हो चुका है, अब हमें एक साइड एज फिक्स करना है। ये देख रहा है जो ये साइड एज जा रहा है एकदम साइड से, पूरा साइड से जाता हुआ एक एज सिलेक्ट करना है जो लाइक साइड में ही रहना चाहिए। तो ये वाला जो एज है, ये वाला नीचे वाला, इसको थोड़ा पकड़ के साइड में ले लूँगा, एंड यहाँ पे आई गेस एक और लुक चाहिए हमें, तो उसको भी ऐड कर दूँगा, तो थोड़ा सा इधर, एंड तुम लोग को दिख रहा रहेगा ये कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है, समझो। तो मैंने ऐसे कैलकुलेट करके बनाया है। अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे स्ट्रोक्स, इट इज़ 9, मतलब यहाँ पे 9 है, तो भी टेंशन मत लो, ठीक है, पूरा 9 है, 10 की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 9 से 10 होगा, 10 से 12 होगा, बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी लूप्स आने वाले हैं ना, तो यहाँ पे एक लूप आने वाला है, यहाँ पे भी एक लूप आने वाला है, 3 हो गए, यहाँ पे भी एक लूप आएगा, 4-5 लूप हो गए, ठीक है,
तो देखेंगे, वो आएंगे तभी तभी देखेंगे, बट आने वाला है इतना मुझे पता है, क्योंकि इतने बार किया है मैंने एंड पता चल गया है, अभी वो होता ही हर बार। ओके, अब हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉलीकाउंट चाहिए, जो कि दिख रहा है ऐसे, ये जो लूप है ये सारे लूप जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, जो ये चेस्ट वाले चार लूप है, एक दो तीन चार, चार लूप देख रहे हो कैसे डेल्टॉइड्स के ऊपर चले जा रहे हैं, तो चार लूप से डेल्टॉइड्स के ऊपर चले जाएंगे एंड देन हमारा ट्रैप्स आएगा और यहाँ पे पोल बनेगा, पोल से ट्रैप्स बनेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे चार तो नहीं रखने वाले, आई कीप टू, एक ये ट्रैप के लिए जाएगा एंड पोल को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैंने पोल बना दिया, इसको मैंने कहा था ना यहाँ पे भी हमें पोल चाहिए, वहाँ पे पहले पोल बना देने का सोचने का नहीं, पहले बना देने का, फिर देखने का उसको कैसे मैनेज करना, क्योंकि वहाँ पे एक पोल चाहिए एंड उसी पोल की वजह से हम ट्रैप्स और बाइसेप्स को अलग अलग कर पाएंगे। अब देख रहे हो ये जो एक लूप बन रहा है, देख रहे हो ये एक लूप जा रहा है एंड ये यहाँ से कनेक्ट होकर ऐसा राउंड जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला ऐसे कंटिन्यू हो गया। एक सेकंड, मैं पहले इसको फिल कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देख रहे हो कैसे लूप जा रहा है, ये राउंड होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ऐसा ट्रैक कर रहा है। यही मैंने क्रिएट किया इस पोल की मदद से, ये जो पोल डाला ना, ये पोल इसको जो डायरेक्शन स्विच करना था वो स्विच करने में मदद कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये पोल डाला था। अब ये जो पोल डाला है मैंने, ये मुझे यहाँ पे भी डालना है। सो आई व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे जो तीन लूप्स ऊपर लिए थे वैसे ही तीन लूप्स यहाँ से ऊपर लेंगे, स्ट्रोक्स तीन लूप्स आ गए एंड सेकंड वाले से हमको यहाँ से बनाना था ना। ठीक है, ये वाले वर्टेक्स है, ये वाले वर्टेक्स से वी हैव टू क्रिएट अ पोल, सो लेट्स क्रिएट अ पोल। बना दिया पोल हमने एंड थोड़ा सा अरेंज करके दिखाता हूँ मैं कैसा पोल बना है एंड कैसा जाएगा। ओके, ये देखो पूरा रोटेट हो रहा है, देख रहे हो राउंड जा रहा है एंड यही हमारा बनेगा शोल्डर का 90 का 90 डिग्री जो चाहिए हमको, बीच में एज लूप्स वो सब बनाने में हमको हेल्प करेगा ये चीज़, ये वाला। एंड अभी मैं इसको ऐसे ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे लूप कट्स डालने हैं डिपेंडिंग ऑन यहाँ से कितने लूप्स आ रहे हैं एंड कितने कनेक्ट होंगे, उसके बेसिस पे मेरे को डालना है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ये पूरे एज लूप को, प्लीज सिलेक्ट हो जा। हाँ, एंड नाउ आई विल यूज़ कॉन्टोर अगेन और एक बीच में से एक लूप डाल लूँगा, क्योंकि तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रहा है ना इतना ज़्यादा, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। अब मैं एक चीज़ देख लूँगा कि यहाँ पे कितने हैं लूप्स कनेक्ट, हो यहाँ पे हमारे पास 13 लूप्स 13 एंड हियर वी हैव 16, 13 एंड 16, ऊपर है 13 नीचे है 16, तो ऊपर हमें तीन और वर्टेक्स और चाहिए बराबर, तो यहाँ पे एक यहाँ पे दो यहाँ पे तीन, हो गया बराबर 16 16, चेक कर लेते, डबल क्लिक और 16 डन एंड यहाँ पे भी वी हैव 16, तो दोनों जगह पे 16 16 हो गए। अब क्या करना है, फिल करना है, तो इसको सिलेक्ट करो एंड इसको सिलेक्ट करो, पैचेस में जाओ एंड होपफुली ये फिल कर देना चाहिए था बट इसने फिल नहीं किया, व्हाट इज दिस, प्लीज फिल कर दे यार। हाँ, नहीं करेगा, ऐसे करना पड़ेगा मुझे मैन्युअली। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड, पहले मेरे को एक चीज़ देख लेना था जो मैंने शायद एक गलती कर दी है, मुझे लूप्स डालने में
गलती हुई है मेरे ख्याल से, मैं एक बार चेक कर लूंगा इसके लिए। नहीं, 8 है, 8 है नीचे, बराबर, इट इज़ परफेक्ट। तो ऊपर 8 कनेक्ट होंगे, नीचे 8 कनेक्ट होंगे, और हम लोगों ने ऐसे डिफरेंस, मतलब ऐसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट, क्या इंग्लिश की बैंड मार रहा हूँ मैं, इंग्लिश खराब हो गया मेरा हिंदी बोल बोल के। आई हैव टू गेट बैक टू इंग्लिश, आई हैव टू गेट बैक टू इंग्लिश। जब काम का था तभी आदत थी इंग्लिश बात करने की, अभी आदत चली गई है। ओके, इसको फिल करेंगे फटाफट। ये ऊपर के 8 कनेक्ट हो गए, अब नीचे के 8 कनेक्ट करने। इस एक वर्टेक्स को नीचे लूंगा, थोड़ा सा पता नहीं ऊपर ठेल रहा था, टहल रहा था, ठेल रहा था नहीं, टहल रहा। और हो गया हमारा फिक्स, फाइनलाइज पूरा, मतलब पूरा प्रॉपरली जॉइन हो गया। अब बचे से भी ऊपर वाला पार्ट, एंड ऊपर वाला पार्ट बनाने के बाद वी विल स्मूद इट आउट, क्योंकि अभी तुम्हें दिख रहा है थोड़ा बहुत अनइवन 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 है, वो क्लीन हो जाएगा, टेंशन मतलब। अब यहाँ पे लूप्स डालने हैं, तो मैंने अभी 3 लूप्स डाले हैं। एंड कनेक्ट कैसे करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बिलो, ठीक है, बॉटम से स्टार्ट करना एंड ऊपर तक कनेक्ट करने की कोशिश करनी। एंड हो सके तो इसको एक बॉक्स जैसा मानना, ठीक है, एक बॉक्स जैसा देखना है इसको। बॉक्स से मेरा क्या मतलब है, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करते गए, चलो कनेक्ट करते करते रहते हैं, कनेक्ट करते करते बताता हूँ मैं ऐसा करना है। यहाँ से इतना सा स्ट्रोक्स एंड देन पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे कनेक्ट करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से, अच्छा डायरेक्ट डायरेक्ट, नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से। एंड जहाँ पे पोल आ गया ना, समझ लेना पोल है ना लास्ट में कनेक्ट होगा। देखा यहाँ पे, देखो ये जो पोल है, पोल के बाजू में एक ऐसा डायमंड बना है, पोल के बाजू में डायमंड बनेगा हमेशा। और यहाँ से ऐसा टर्न वाले के बाद एक हमेशा, जहाँ पे ये टर्न हुआ है ना, ये देखो ये जो टर्न जा रहा है ना अपना, ये वाले पॉलीगॉन्स के बाद एक, समझ सिलेक्ट कर सकते हो क्या, पॉलीपेन सिलेक्ट करने देगा मेरे को, नहीं करने दे रहा, बट इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। ये देखो ये जो लूप है ना, इसके बाद है ना हमेशा विल हैव अ डायमंड, और इस अंदर, इसके अंदर रहेगा हम ऐसा डायमंड, और इसके बाहर कॉर्नर पर रहेगा पोल। सेम हमें यहाँ पे बनाना है, इसके बाहर है पोल, यहाँ पे बनेगा एक डायमंड। डायमंड कैसा, ऐसा कनेक्ट करता हुआ, तो ये देख रहे हो एक डायमंड वाला शेप बनता हुआ दिख रहा है। तो हमें पता है यहाँ पे एक लूप डालना है, एंड इस लूप को डालेंगे तो हमारा डायमंड दिख जाएगा, दिख रहे हो डायमंड बन गया। अब यहाँ पे एक और लूप आएगा जस्ट टू कनेक्ट दिस, और इसको इसको कनेक्ट कर, दैट्स इट, बन गया हमारा रिटोको, सॉरी हो गया हमारा कपड़े का आम वाला पार्ट रिटोको। अब बाद बाकी है अभी ये वाला पार्ट, और इसको कनेक्ट करना, ये तो नॉर्मली कनेक्ट हो जाएगा सिंपली। और अभी बचा है मेन जो है वो कॉलर वाला एरिया, ट्रैप्स और कॉलर वाला एरिया। अब यहाँ पे एक पोल बनाया था, ठीक है, और वही पोल अपने को ये भी दे रहा है, ये पोल के डायरेक्शन की वजह से वी हैव दिस राउंड ऑल्सो, और हमारे पास ये भी एक लूप है, ये भी एक राउंड जा रहा है, देख रहे हो ये दो एक लूप्स जा रहे हैं अपने पास। एंड इसी ये जो लूप पर ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर वाला जाने वाला जो लूप है ना, इसी को लेके वी हैव टू मेक आवर नेक वाला पार्ट, कॉलर वाला नेक वाला जो बोलना है बोलो, एक ही बात है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को बनाना है। और इसको कैसे बनाएंगे, लेट्स सी इफ आई कैन रिड्यूस सम पॉलीगॉन कहीं से भी, आई गेस ये बेटर है टू हैव दिस मच अमाउंट, 16 ही है, एंड आई गेस मैं इसको 8 कर सकता हूँ, बट क्या नेसेसिटी है, आई डोंट थिंक नेसेसरी है, सो लेट्स कीप इट 16। इश्यू शायद नहीं होगा, बट अगर हुआ तो मैं उस टाइम पर तुमको एक नया टेक्निक सिखाऊंगा, उसकी मदद से हम लोग इसको मर्ज करेंगे,
तो 16 vertices का, अभी 16 vertices है, उस 16 vertices का विल कन्वर्ट इट इन टू 8 vertices या 6 vertices, वो देखना पड़ेगा नेक में कितने हैं। एंड इसको 8 बनाना इजी रहेगा या 6 बनाना इजी रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे, वो फ्यूचर वाला है, अभी के लिए इसको 16 ही रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल कॉन्टोर्स बना दो, हो गया। और यहाँ पे एक लूप, दो लूप, ठीक है। अब ये वाला पार्टी फिल कर लेते हैं पीछे पे, यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो ये जो पोल बना, ये वाला पोल, ये जो पोल बना ना वो यहाँ पे ही बन रहा है, ये देखो यहाँ पे बनेगा वो पोल। पूछो कैसे, ये देखो ये लूप ज़्यादा हुआ दिख रहा है, ये वाला लूप, ये जो लूप है ना, ये लूप, इसको देखो, इसके जस्ट नीचे ये पोल है, ठीक है, तो इसके भी जस्ट नीचे ये पोल है, देखो पोल बन गया ना, है ना ये पोल, और यही अपना लूप है, और लूप के अंदर साइड पे पोल है, ये अपना लूप है, लूप के अंदर साइड पे पोल है, एंड उस पोल के दो नीचे से हम लोगों ने और कनेक्ट किया है, तो ये जो पोल है इसके नीचे ये जो दो फेसेस है ना, इसको हमें कनेक्ट करना है पूरा अंदर तक। सो ऊपर के चार सिलेक्ट किए एंड इसको कंटिन्यू कर दिया यहाँ तक, डन। अभी हमारा बचा सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट करने का पार्ट, कनेक्ट करना बाकी है सिर्फ, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द मिडल पार्ट्स, ठीक है, अभी भी मिडल पार्ट से स्टार्ट करना। एंड मिडल में ये जो लूप जाएगा ना, ये सेंटर वाला लूप, इसको हमेशा ज़िंदा रखना, इसको कभी मर्ज मत कर देना, ये लूप है ना हमेशा इसको एकदम लाइक मिडल से जाता हुआ रखना हमेशा, ठीक है। काम में आता है ये, बहुत बार काम में आता है, जब मिरर करना रहता है ना फटक से, तो बहुत बार काम में आता था इसकी वजह से। थोड़ा सा स्लाइड करूँगा सारे एजेस को प्रॉपरली, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट पॉलीपेन, पॉलीपेन यूज़ करके फिल करना स्टार्ट कर देंगे, एंड हो जाएगा होपफुली, जहाँ पे भी नहीं होगा वी हैव टू ऐड एक्स्ट्रा लूप्स, ठीक है। अब मैंने उसको मिडल तक लेके आके, देखो यहाँ तक लेके आके छोड़ दिया, और अभी मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा, और थोड़े से वर्टाइसेस को हिला रहा हूँ यहाँ हुआ, और मुझे अभी चेक करना है कि यहाँ पे मेरे पास वर्टाइसेस कितने हुए। सो जस्ट को पॉलीपेन और लूप्स पकड़ के लूप से सिलेक्ट किया, प्लस ये, प्लस ये, स्ट्रोक्स वी हैव टू, क्या सिर्फ दो, सिर्फ दो कैसे है? वी हैव, अरे ये बता नहीं रहा कितना है, कॉन्टोर्स कोई बताएगा? कोई कोई नहीं बताने वाला, ओके नेवर माइंड, काउंट कर लेंगे हम लोग बाद में, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो चुका है, देखा हुआ था ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा, 9 का 10 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा, 11 का 12 भी हो जाएगा, एंड अब मैं 13 बनाने जाने वाला हूँ। तो उसको मुझे देखना पड़ेगा 13 का कहीं पर कुछ कर सकते हैं, या फिर इसको 13 ही छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर अपना 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए था, इश्यू हो गया यहाँ पे, बताता हूँ मैं। ये पोल देख रहा हूँ, ये पोल देखो, ठीक है, ये दोनों पोल के बीच में 3 जा रहे लूप्स, जबकि 2 जाने चाहिए थे, बट जो जाते थे, मतलब ये 3 वर्टेक्स जा रहे, 3 वर्टाइसिस के लूप जा रहे, 3 वर्टाइसिस के लूप्स की जगह हमें चाहिए थे सिर्फ 2 वर्टाइसिस के लूप, तो 3 जाने चाहिए थे नीचे, बट 4 जा रहे, 1 2 3 4, एक सेकेंड कहाँ मैंने ऐड किया फिर, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बराबर तो है, तो नीचे 16 की जगह, चलो इसको पहले कनेक्ट कर लेते, फिर मैं देखता हूँ कहीं पे इवन का ऑड हुआ है कि नहीं, बट हुआ रहेगा तो फिर भी चलता है, कुछ है नहीं।
नहीं देख, 12 ही है, 12 ही है, मैंने गलती गिना तो गलत गिना मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये लास्ट। फिर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, मैं गिन रहा हूँ 13 क्यों आ रहा है, 1 2 3। अच्छा वो सामने वाले को गिन रहा, पीछे वाले को नहीं गिन रहा, मैं दोनों को गिन रहा बार बार, गलती मैं कर रहा हूँ। ठीक है बराबर आया अपना, बराबर है, पूरा पूरा का पूरा बराबर है। अभी मैं बोलूँ काउंट करके बनाया फिर भी गलत आ रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं होना चाहिए भैया, नहीं होता है, काउंट करके बनाओगे तो कभी गलत नहीं बनेगा। नाउ यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। ओके डन, सो रिटोप भी हो चुका है, सॉरी रिलैक्स भी हो चुका है, थोड़ा सा ट्विक वगैरह करना था वो भी हो चुका। नेक्स्ट अब वो ये जो पार्ट्स है ना, ये अंदर वाले पार्ट्स, इसको फिल करना है, तो चलो फिल करते। फिल कैसे करेंगे, थोड़ा सा मेहनत जाएगा अपना। एंड ये जो देख रहे हो, ये जो शार्प कट जैसा आ रहा है ना, ये शार्प कट भी मेरे को प्रिजर्व करना है, ठीक है, स्मूथ आउट नहीं करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मेहनत, स्ट्रोक्स लेंगे। एक्चुअली तुम्हें पता है कॉन्टोर से हो सकता था, बट कॉन्टोर काम नहीं करेगा क्योंकि अनइवन है ना, अगर ऐसा 90 डिग्री एकदम परफेक्ट लेके तुमको एच पे लूप मारना पड़ेगा जो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये पांच को सिलेक्ट किया। एंड मैं जो कर रहा हूँ ना, टोपोलॉजी इवन रख के ऐसा ऐसा, ज़रूरी नहीं है तुमको ऐसा ही करना है, इट डिपेंड्स ऑन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट की लोग कैसा रिटोपो करना चाहती है, करना चाहते हैं, तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुमको कैसे करना है। बस याद रखना इट शुड बी अ लिटिल बिट, देख लो कैसा, मतलब प्रॉपर वायर फ्रेम जैसा जा रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा ब्रेकेज या फिर कुछ ट्रायंगल अनइवन सा नहीं लग रहा, प्रॉपर दिख रहा है ना एकदम मेश जैसा, वैसा दिखना चाहिए बस आफ्टर ऑल, ताकि सारे जो भी टोपोलॉजी रहेंगे, जो भी डेफॉर्मेशंस रहेंगे वो प्रॉपर आए, बस मेन चीज़ वही है। अभी मैं वापस से स्ट्रोक्स लूँगा एंड पूरे इसको सिलेक्ट करूँगा, आई ट्राई टू मेक वन ओवर हियर, देखते बनता है कि नहीं। यस बन गया, और मुझे अभी एक लूप डालना है जो मुझे इसको यहाँ तक लेके जाना है एंड इसको भी यहाँ तक लेके आना है। द रीज़न बिंग, ये जो शार्प है जो वो प्रिजर्व रहेगा, एकदम शार्प भी नहीं है बट थोड़ा सा था वहाँ पे एज, इसको प्रिजर्व रखने के लिए थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे एज इसको स्लाइड करके, एंड अभी इसके अंदर लेके जाना है हमको। तो सिलेक्ट दिस लूप और अंदर एक सर्कल बना लो, डन हो गया। एड वन मोर लूप यहाँ पे एंड दैट्स इट, हो गया तुम्हारा। और अगर तुमको और एक चाहिए लूप यहाँ पे डाल सकते हो बिंदास, ठीक है, अंदर का एक लूप डाल दो बस, बिकॉज हाथ से हम लोग ये कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, अंदर से ये कनेक्ट हो जाएगा हाथ एंड वो दिखने नहीं वाला है, ठीक है, इसी वजह से हम लोग इस पर अभी अभी कुछ नहीं करेंगे, बाद में हम लोग करेंगे थोड़ा सा वो चेंजेस, बट अभी कुछ नहीं करेंगे। और अभी नेक वाला पार्ट बचा है, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा एंड थोड़ा सा ट्विक कर दूँगा ताकि ये प्रॉपर लेवल में हो जाए। ओके लेवल में हो चुका, नाउ यू जस्ट हैव टू कनेक्ट, मैं यहाँ पे एक और एक लूप बनाना है एंड फिर इसको कनेक्ट करना है। सो यूज स्ट्रोक्स अगेन, सिलेक्ट दिस अप टू दिस एज एंड मेक लाइन ओवर हियर। ओह माय गॉड ये क्या हो गया, हाँ
ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट करके सिलेक्ट करना लास्ट वाले एज को, एंड देन ड्रॉ लाइक दिस। क्या हो रहा है यार, हर बार पीछे से। होपफुली अभी ना हो। यस, बराबर है। कभी कभार ना स्मूथ काम नहीं करता, एंड इसकी वजह से तुमको मतलब जैसा चाहिए रहता है वैसा काम नहीं करता, इसकी वजह से तुमको ऐसा मैनुअली थोड़ा सा करना पड़ता है, एंड वो हमेशा रहता है ये मैनुअल वर्क्स, आफ्टर ऑल करना ही पड़ता है तुमको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा। तो एक और स्ट्रोक यहाँ पे अंदर, एंड एक और स्ट्रोक अंदर तक, और डन हो गया अपना शर्ट ख़त्म। Now let's get out of the retopo flow. Yes, retopo flow से बाहर आ गए, and we have our shirt ready retopology के साथ। And इसको सच बताओ ना, easily हम लोग चाहिए तो quadrimage से भी कर सकते, quadrimage से भी कुछ ऐसे result आता था, similar somewhat ऐसे result आता था, but मुझे नहीं करना था, मैं दिखाना चाहता था कि तुमको अगर किसी ने बोला करना है तो कैसे करना है, this is the way you have to do. एंड थोड़ा सा इसको ऊपर लूँगा मैं, मिरर का ये क्लिपिंग हमेशा चालू नहीं करता, पता नहीं क्यों। ओके, सो शर्ट डन, नेक्स्ट अप हमारे हाथ। ठीक है, नाउ वापस से मिलाऊँगा अपने कलेक्शन को, पूरा अनहाइड कर रहा हूँ। ओके, नाउ वी नीड द आर्म्स। ठीक है, शिफ्ट डी एम डेसिमेटल, इसको वापस ऐड कर दो कलेक्शन को, एंड नाउ इसको हमें करना है डेसीमेट, क्योंकि अभी हमारे पास है कुछ 5 लाख वर्टाइसेस एंड लैग होएगा इतने रहेंगे तो। सो इसलिए डेसीमेट 0.15 डेसीमेट करके देखते हैं, और ये 0.15 डेसीमेट हो गया, कुछ इतना ज़्यादा फर्क हुआ नहीं है, बट काफ़ी हद तक वर्टाइसेस कम हो गए। सो अप्लाई, ओके, सो डेसीमेशन ख़त्म हो गया, अप्लाई भी कर दिया, लेट्स स्टार्ट द रेटोपो फ्लो। और हाथ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फिंगर्स का ये वाला जो मेन पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो साथ में रहना एंड थोड़ा सा अटेंटिव रहना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और मैं एक और चीज़ वापस भूल गया, ये रिटोपो फ्लो को रिटोपो में डालने का है, एंड फुल स्क्रीन स्टार्ट रिटोपो फ्लो। ठीक है, रिटोपो फ्लो स्टार्ट हो चुका है, सिमेट्री करना है सबसे पहला, हमेशा याद रखना सिमेट्री करना है, सिमेट्री चालू कर लेना हमेशा। एंड हमें वो लाइन नहीं दिख रहा क्योंकि बीच में कुछ मैच है नहीं जिसको लाइन रहेगा वो, बट ये सिमेट्री का टेंशन मतलब तुमको अगर देखना है तो मैं कॉन्टोर से करके दिखाता हूँ, क्योंकि कॉन्टोर से हमें यूज़ करना था। यहाँ पर एक लूप डाला 16, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, देख रहे, तो समझ गया ना चालू है। ठीक है, अब यहाँ पे एल्बो के यहाँ पे हमें एक लूप बनाना है, बट मैं अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे देखना है कि वो एल्बो कहाँ आएगा, पोजीशनिंग करके देखना पड़ेगा। एंड एल्बो के यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सा लूप बनता है, देख रहे हो लियो का हाथ कैसे बेंड हो रहा है, एकदम 90 डिग्री पे भी हो रहा है, स्मूथ भी बेंड हो रहा है, तो हमें वो 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए टोपोलॉजी में कुछ तो बनाना पड़ेगा वो चीज़ है, तो अभी वो करना पड़ेगा। ठीक है, एंड बाकी अगर तुम नॉर्मली देखोगे ना, एक लूप बनता है, एक ये देख लो, ये ऐसा एक लूप बनता है, नी एल्बो के यहाँ पे ये एक लूप बनता है, एंड उसके अंदर मैश रहता है, यहाँ पे पोल्स रहते हैं चारों साइड पे, वैसा बनाना है, बट कहाँ बनाना है अभी मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, बाद में मैं इटोर फ्लो से बाहर निकल के वो देखूँगा। ठीक है, अब हमें करना है ये फिंगर्स पे, कॉन्टोर्स लेकर फिंगर्स पे करना है। सो कॉन्टोर्स सिलेक्ट करो, फिंगर पे लूप बनाओ, एंड इसको डिसलेक्ट करके लूप बनाओ, एंड वी नीड 8 लूप्स, सो माइनस 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 8 लूप्स। ओके, एंड इसको थोड़ा सा रोटेट करना है मुझे ऐसे,
मैं बाकी ये जो रोटेट वगैरह कर रहा हूँ ना, सिर्फ हाथ दबा के कर रहा हूँ। एक बार हाथ दबाओगे ये साइकिलिंग वे में ऐसा रोटेट करेगा, दो बार हाथ दबाओगे ये ऐसा नॉर्मली रोटेट करेगा एंड स्नैप रखेगा तुम्हारा वर्टाइसिस। ठीक है, अब बस मुझे थोड़ा सा इसको ऐसे भी करना है एंड थोड़ा सा इसको ऐसे करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये जो फोल्ड होता था ना, यहाँ पे ये जो नकल था, यहाँ पे एक एज लूप डाला। दूसरा एज लूप रहेगा तुम्हारे दूसरे नकल पे एंड इट विल बी ऑल्सो 8। और एक चीज़ तुम लोग कर सकते हो, कॉन्ट्रोल्स में जाके ना यहाँ पे इनिशियल काउंट जो है उसको सिलेक्ट करके तुम लोग 8 लिख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम लोग बनाओगे ना, अपना वो 8 लूप्स ही देगा, 16 नहीं देगा। बाय डिफॉल्ट वो 16 रहता है, बट मैं 8 यूज़ करता हूँ एंड 8 प्रिफर्ड है मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने दूसरे नकल पे एक लूप डाल दिया एंड इसको भी थोड़ा सा मुझे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, डन। और एक और लूप डालेंगे यहाँ पे। ओके, सो टिप पे भी डाल दिया एंड बढ़िया जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर है। अब बीच में एक और लूप डालेंगे एंड यहाँ पे भी एक लूप डालेंगे, डन। थंब हो गया। अब जैसे थंब किया ना, वैसे ही सब फिंगर्स में करना है। सो टाइम लैप्स एंजॉय करो। ओके, सो इसी के साथ सारे के सारे फिंगर्स खत्म। अब हमें करना है इसके फिंगर टिप्स को कनेक्ट, एंड जो कि है बहुत इजी। क्या करना है, ये ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ पॉलीपन। कनेक्ट कर दिया, इसको लो इधर कनेक्ट करो, इसको लो इधर कनेक्ट करो, कर दिया। अब यहाँ पे कैसा एक फ्लैट जैसा बन गया, और ये देखो ना ऊपर से बम्प जैसा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने का, नाइफ एंड कंट्रोल दबा के यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और एक, दैट्स इट। बन गया तुम्हारा रेडी थंब एंड सेम अभी तुमको सारे फिंगर्स में करना है। सो वंस अगेन टाइम लैप्स। एंड फिंगर टिप्स भी डन। अब बारी है यहाँ पर से ये सारे लूप्स को इन 16 के वर्टाइसेस के साथ जॉइन करना। क्या बोल रहा हूँ मैं, इन 16 वर्टाइसेस को हमें इन सब के साथ जॉइन करना पड़ेगा। जो 16 वर्टाइसेस है यहाँ पे, अभी ये देख रहे हो बहुत सारे ज़्यादा वर्टाइसेस है यहाँ पे। एक में 8 है, 8 है, 8 8 24 वर्टाइसेस, एंड यहाँ से भी आएंगे कुछ वर्टाइसेस।
इतने सारे वर्ड है, इसको 16 में कैसे कम करेंगे ये मैं अब तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है। और यही है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट, अभी जो हम लोगों ने बनाया ये था सबसे ईजी वाला पार्ट, अब होएगा सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट, तो थोड़ा सा अटेंशन देना, ठीक है। सबसे पहला इन दोनों को जो भी फिंगर्स के बीच वाले वर्ड ये जो फेसेस है ना इनको कनेक्ट कर लूँगा ऐसे, ठीक है। नाउ आई विल क्रिएट ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बनाने से अच्छा एक और टेक्निक है, मतलब सेम ही बनाने वाले, एंड अगर तुम किसी और का देख रहे हो, किसी और का तुमने ट्यूटोरियल देखा है और वहाँ पे वो अच्छे से बता रहा है एंड तुमको उसका समझा है एंड तुमको वैसे ही करना है जैसे उसने किया है, तो बिंदास करो कि हैंड का ये टोपोलॉजी इट्स लाइक सबका अलग 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 स्टाइल होता है, सबका अलग अलग टेक्निक होता है बनाने का। सो आई रिकमेंड तुम लोग ने जिसका भी सीखा है, तुमको जिसका भी समझता है उसका यूज़ करो, एंड अगर तुमने किसी का सीखा नहीं है तो मैं जैसा बना रहा हूँ वैसा बना लो, सिंपल है। अभी तो मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी, एंड इसके बाद हमें डायमंड्स बनाने हैं, कहाँ कहाँ बनाने हैं वो बताऊँगा मैं, ठीक है। अब ये सारे कनेक्ट हो गए, अब हमें डायमंड्स बनाने हैं कुछ, तो डायमंड्स कैसे बनाएंगे, तो इसमें डायमंड बनाना मतलब रिटोपो फ्लो में डायमंड बनाना इज़ डिफ़िकल्ट। सो मैं चले जाऊँगा नॉर्मल ब्लेंडर में, ठीक है। इन फ्रंट डिस्प्ले वायर एंड हिडन वायर्स, ठीक है। अब देखो ये जो दो वर्टाइसेस जा रहे हैं ऐसे बीच में से ये पूरा, इनको हमें डायमंड्स बनाना, ठीक है। ट्रायंगल्स बनेंगे एंड ट्रायंगल्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डायमंड में, ठीक है। अब वो करना कैसे है, ये जो बीच वाले दो वर्टेक्स दिख रहे हैं ना, ये देखो ये तुम्हारा एक पोल बना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पोल बना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ये जो दो पोल है ना, इन दोनों पोल के ऊपर वाले वर्टेक्स को छोड़ के ऊपर वाले वर्टेक्स को पकड़ना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास ये वाला जो रो है ये नहीं है, ठीक है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। डायरेक्ट पोल के ऊपर जो वर्टाइसेस है वो लास्ट वर्टाइसेस है, उसके ऊपर कोई वर्टाइसेस नहीं है, तो बीच में एक लूप डाल दो, ठीक है, ऐसे बीच में लूप डाल दो। एंड फिर क्या करना, ये जो ऊपर के दो वर्टाइसेस है इन दोनों को लेके मर्ज एट सेंटर, सेम हर एक नकल हर एक फिंगर्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे यही करना है, ठीक है। ठीक है, हमने मर्ज कर दिया, अब क्या करना है, बीच में एक लूप डाल दो, ठीक है। एंड मैं बोलूँगा कि तुम अपना है ना अभी जो ये है स्नैपिंग चालू कर लो, ठीक है। मैं उसका शॉर्टकट है शिफ्ट टैब, यस शिफ्ट टैब से ये ऑन ऑन ऑफ होता है, तो मैं जब फुल स्क्रीन मोड में काम करता हूँ ऐसा मैं शिफ्ट टैब दबा देता हूँ एंड उससे मुझे पता चल जाता है कि ये स्नैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, स्नैप हो रहा है। एंड मैं अभी ये डायमंड्स बनाऊँगा इसको थोड़ा सा प्रॉपरली, ठीक है। एंड देख रहा हूँ जैसे ये स्नैप कर रहा हूँ ना, ये फिंगर्स के बीच में जो नकल बने थे वहाँ पे चिपक जा रहे हैं एंड हमें वो कर्वेचर मिल जा रहा है प्रॉपर, तो यहाँ पे भी डालेंगे, यहाँ पे भी डालेंगे। अभी देख रहा हूँ कैसे हवे में, जैसे मैं स्नैप करूँगा ना स्नैप हो जाएंगे सरफेस पे और फिर ये कर्वेचर देगा हमें प्रॉपर वाला जो हमें चाहिए। और इसमें यहीं पर ना थोड़ा सा टाइम ले लो और अच्छे से ना मैनेज कर लो, थोड़ा सा क्लीन कर लो टोपोलॉजी वगैरह प्रॉपर से, देख लो सारे वर्टाइसेस हवे में, मतलब कोई वर्टाइसेस हवे में तो नहीं है, सारे मैश से चिपके हुए हैं, वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। ओके डन, अब हमारे डायमंड्स भी बन चुके हैं, अब हमें क्या करना है, इन डायमंड्स को ही ऊपर तक लेके जाना है। अब तुम लोग अगर सिलेक्ट करोगे ना सारे वर्टाइसेस, तुम लोग देख सकते हो वी हैव 26 वर्टाइसेस, ठीक है। पहले हमारे पास कितने थे, एट एंड कनेक्ट होके 4 8 सा 32 वर्टाइसेस ऐसे थे हमारे पास पहले यहाँ पे, एंड उन 32 वर्टाइसेस को हम लोगों ने कम कर दिया है 26 वर्टाइसेस में। अब हमें और थोड़ा कम करना है, बट वो कम करने से पहले व्हाट आई विल डू इज जो बीच में से लूप जा रहा है ना हर एक फिंगर्स के, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, ये जो लूप जाता है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, इसको कभी खोना नहीं रहता है, ठीक है, और ये कंटिन्यू करना रहता है थंब में भी। सो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये लूप पूरा कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड ये पूरा कंटिन्यू करेगा भी, हम लोग को इसको कंटिन्यू करवाना ही है ऐसा, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ से जो कनेक्ट हो रहा था ये वाला, इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ऐसे रिस्ट से। एंड जब कनेक्ट करोगे तब ध्यान देना कि ऊपर जितने वर्टाइसेस हो, ठीक है, ऊपर अभी है 8 वर्टाइसेस एंड नीचे है सिर्फ 4, तो ये गलत है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों साइड पे सेम वर्टाइसेस रखना, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करूँगा फेस को, एंड यहाँ पर से इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। सो अब मुझे मिलेगा नीचे 1, 2, 3, 4 वर्टाइसेस, और मुझे ऊपर मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 7 वर्टाइसेस। ओके, नीचे 5 मिल रहे और ऊपर 7 मिल रहे ना, आई गेस इसको भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा, एंड मुझे इसको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। नाउ हमारे पास अभी ऊपर कितना है, 6 वर्टाइसेस ऊपर है एंड नीचे 6 वर्टाइसेस है, एंड डन, ऊपर और नीचे सेम वर्टाइसेस है, तो बराबर। बस यहीं पे अभी जो जो इतना किया ना मैंने, इतना पहले कर लेना आराम से, ठीक है, आराम से बैठ के कर लो, इसमें इसमें कोई घाई मत करना, क्योंकि इसमें अगर तुम घाई करोगे ना बीच में ट्रायंगल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो सकती है हाथ में। तुम अगर खिचड़ी करोगे एक हद तक चल जाता है, बट ज़्यादा करोगे ना तो नहीं चलता, वो चीज़ है। हाथ में खिचड़ी चल सकती है, बट करते भी है गेम्स में तो लाइक बहुत ज़्यादा खिचड़ी भी करते हैं, बट कहाँ करते हैं, यहाँ पे, ये जो बीच वाला एरिया ना, यहाँ पे करते, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशंस बहुत कम हो जाते हैं, और होते भी है तो वो लोग ऐसे जगह पे रखते हैं कि वो छुप जाए, ठीक है, मोस्टली छुप जाता है। तो इसके लिए ध्यान देना कि प्रॉपर लूप्स हो थोड़े, क्योंकि हम लोग को अगर फेस सॉरी अगर हम लोग को हैंड के एनिमेशंस वगैरह करने हैं तो हमें ये चाहिए बराबर। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये जो लूप है ना, ये बीच वाला, इसको हमें कंटिन्यू करना है और ऐसे कंटिन्यू करके लेके जाना है एंड यहाँ पे जाके छोड़ देना, अभी के लिए छोड़ देना, बाद में हम लोग इसको करेंगे, अभी के लिए छोड़ देना। एंड फिल दिस 3 once हियर, चौथे को भी यहाँ पे फिल कर दो, यहाँ पे एक लूप डालो एंड यहाँ पे स्ट्रेचिंग होएगा ना, टेंशन मत लेना, बाद में हम लोग वहाँ पे लूप डाल सकते हैं, पहले इसको प्रॉपर कर लेना। अब यहाँ पे एक पोल बनाना है हमें, ओके, पोल बन गया, देख सकते हो ये एक पोल बन गया अभी हमारा। पोल मतलब मैंने समझाया था लास्ट पार्ट में, एक ऐसा वर्टेक्स जो 5 अलग अलग वर्टेक्स से कनेक्टेड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखोगे 4 वर्टेक्स से कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 4, बट ये देखोगे ना ये 5 वर्टेक्स से कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पोल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इनको भी कंटिन्यू करना है हमें, एंड मैं ये ब्लेंडर में कर रहा हूँ बाय द वे, और यूट्यूब फ्लो जब तक मुझे पता नहीं था मैं ब्लेंडर पे ही करता था ऐसे, ठीक है, ऐसे करता था मैं ब्लेंडर पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बीच में ना लूप छोड़ देना है ऐसा, और नहीं तो अभी के लिए छोड़ देते, हम लोगों ने यहाँ पे जैसे लूप बनाया ना वही यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। तो पोल बना था यहाँ पे, यहाँ पे भी हम लोग को एक पोल बनाना है, इसको मर्ज करना है, नहीं इसको मर्ज नहीं करना है, यहाँ से आएगा तो ये ऐसे ही कनेक्ट होएगा एंड ये ऐसा जाएगा, इन लोगों को थोड़ा नीचे करेंगे, इस एक फेस को डिलीट करूंगा मैं, एफ एफ एफ, और हमें मिल गया हमारा पोल, ठीक है, एंड बीच में ये दो लूप्स जाते हुए ऐसे। ऐसे।
दो लूप जाते हुए एंड हमें मिल गया ये एक पोल और ये एक। तुम अगर देखोगे अपने हाथों में ना, यहाँ पे भी एक मस्त बल्ज वाला एरिया रहता है, ठीक है, वो ये वाला एरिया बन जाएगा आपको। मैं इसको रिलैक्स करवा के दिखाता हूँ एंड बीच में ये पिंच वाला आएगा अपना, जो हम लोग प्रॉपरली उसको मेंटेन कर सकते हैं इस इन तीन लूप्स की वजह से। अब बराबर तुम अगर रिक करोगे ना ये, तो ये तीन लूप्स की वजह से प्रॉपर पिंच, जैसा तुम अपने हाथ को ऐसा फोल्ड करोगे ना, ये वाले थंब इस वाले को इस वाले से टच कराने की कोशिश करोगे ना, यहाँ पे पिंच आता है। जैसे कुछ ग्रैप करने की कोशिश करते हो ना, यहाँ पे एक पिंच आता है, ठीक है, तो वो पिंच क्रिएट होगा बराबर से इन तीन लूप्स की वजह से। ये मोस्टली मिडिल फिंगर से आते हैं, बट अभी हमारे यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं, बट चलता है वो कहीं से भी आए, मोस्टली वो प्रॉपर ही रहता है, कुछ गड़बड़ नहीं होता है। अब हमें यहाँ पे लूप को ख़त्म करना है, ऐसा घूमता हुआ बनाने, एंड यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बनता है लोगों का, तुम्हारा भी बन रहा है तो चलेगा, कोई इतना बड़ा इश्यू कुछ है नहीं, ठीक है। तुमको अगर चाहिए अच्छे से बनाना है, वापस से ट्राई कर लेना ऑलवेज। अगर तुमको कुछ वापस से सीखना है, तुम्हें लगता है कि नहीं ये बराबर बना नहीं है, एक और बार वापस बना लो, नेक्स्ट टाइम बढ़िया बनता है, मैं सच बता रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया बनता है। पहले जो तुमने बनाया रहेगा ना, उससे काफ़ी बेटर बनेगा नेक्स्ट टाइम। तो हमें ये फिल करना है बीच वाले, एंड यहाँ पर मुझे एक लूप टहलना है और ये ऐसा जाना चाहिए, यहाँ पे भी एक पोल बनेगा, यहाँ पे भी एक पोल बनेगा, देख रहे हो पोल बन गया ना, बन गया पोल। अब मैं काम करता हूँ, मैं स्क्रीन कास्ट किस चालू कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ब्लेंडर में ही करने वाला हूँ। इतने ज़्यादा लूप्स अगर लेके जाऊँगा ना रिटो फ्लो में, तो बहुत लैग होएगा, एंड रिटो फ्लो का भी कुछ काम नहीं है बेसिकली, जो स्ट्रोक्स वगैरह काम था वो हो जाएगा, उतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अभी हम लोग इस पे ही करते हैं, ब्लेंडर पे ही, ब्लेंडर के डिफ़ॉल्ट वाले टेक्निक से यूट्यूब को करेंगे, ताकि तुम लोगों को पता चले कि यूट्यूब को फ्लो के बिना भी रिटोपो हो सकता है ब्लेंडर में, बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर भी ये अच्छा खासा रिटोपो कर सकता है, बस टेक्निक्स आने चाहिए। तो ओके, सो अभी यहाँ पे हमारे पास जाते हुए तीन लूप से, बाय द वे इस लूप को भी मुझे यहाँ पर से कंटिन्यू करवाना था, तो इसको पहले कंटिन्यू करवा देते, ये पूरा गोल घूमने वाला है ऐसा, एंड अब यहाँ पे एक पोल बनेगा, बन गया, यहाँ पे एक पोल बनेगा, यहाँ पे एक डायमंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पोल है, पोल के अंदर डायमंड, डायमंड बन गया, यहाँ पे एक पोल है, पोल के अंदर डायमंड बनेगा, बन गया डायमंड, डायमंड। यहाँ पे एक और लूप डाल दूंगा ताकि थोड़ा सा इवन आउट हो जाए, फिर ओके। अब यहाँ पे जो पोल बना था ना, वो पोल यहाँ पे ही बनने वाला है, बना दिया, और मैं ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये मैं ये एक वर्टेक्स पकड़ रहा हूँ एंड देन एफ प्रेस कर रहा हूँ और ये क्वाड बना के दे रहा है मुझे। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारा ऐसा नहीं होएगा मोस्ट प्रोबेबली, और अगर हो रहा रहेगा तो बड़ी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना, प्रेफरेंसेस में जाओ, गो इन टू एड ऑन्स, यहाँ पे जाके F2 एड ऑन चालू कर लो, मैश F2 एड ऑन, ठीक है, इसको बस चालू कर लेना, और फिर सेव प्रेफरेंसेस, और बस तुम्हारा भी फिर वो F दबा के करने का आ जाएगा, F दबा के फिल करने का एक वर्टेक्स पकड़ के आ जाएगा। ये हमारा पोल, हमारा डायमंड अंदर, ये हमारा पोल, हमारा डायमंड अंदर, ये देखो ये लूप जा रहा है पूरा घूम के, समझ रहे हो, एंड हमें इस लूप को कंटिन्यू ही रखना है ऐसा। एंड ऊपर है ना, काफ़ी हद तक है ना फ्लैट होता है, तो ऊपर तुम लोग है ना कम लूप डालोगे ना चलेगा, अंदर के साइड पे यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा लूप चाहिए रहते हैं, ज़्यादा पॉलीकॉन चाहिए रहता है, क्योंकि यहाँ पे बल्ज होता है, ठीक है, तो उसको बस संभाल लेना। अब क्या है, कुछ बचा नहीं अभी मोस्टली, क्योंकि ये लूप तैयार है अपना,
ये लूप तैयार है अपना, अंदर का ही तो उसे फिल करना है। चलो एफ एफ करके फिल कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 वर्टाइसेस है और यहाँ पे सिर्फ 2 वर्टाइसेस है कनेक्ट होने के लिए, बराबर। तो हम लोग अभी क्या करने वाले, देखो इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा, फिल फिल और यहाँ से फिल, यहाँ पे फिल, यहाँ पे फिल, यहाँ पे फिल। नहीं समझा, वापस से करके दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जी खत्म। हाँ अभी देखो ये वर्टेक्स को दोनों को नज़दीक लेके आओ थोड़ा सा, ठीक है। अरेंज कर रहा हूँ मैं सिर्फ वर्टाइसेस, कुछ बड़ा कम कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस अरेंज किया मैं। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो 4 वर्टाइसेस है, ये 4 वर्टाइसेस, इनको मर्ज करके मेरे को इन 2 में कन्फर्म करना है। और हमारे पास टोटल अभी 8 है, तो इसको करने के तरीके बहुत है। मैंने पहले अभी जो करके दिखाया वो एक तरीका था, अगर तुम लोग को वही पसंद आ रहा है तो वो रिवाइंड करके पीछे आके देख सकते हो। बट अभी एक और तरीका बता रहा हूँ जो मुझे अभी अचानक से सूझा कि इससे बेटर तो ये हो सकता है, एंड वही अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। इसको एक्सट्रूड करो, स्केल करो, ठीक है, कंट्रोल एफ एंड ग्रेड फिल, एक वर्टेक्स आ जाएगा बीच में, दैट्स इट। ये काफ़ी हद तक बेटर होने वाला पहले वाले से, ठीक है, काफ़ी बेटर है ये पहले वाले से। इसलिए मेरे को अचानक से बाद में सोचा, अरे 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 ये मेरा अचानक देखा हुआ लग रहा कुछ तो, ये ऐसा मैंने प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किया है एंड इसका लाइक बेटर सोल्यूशन मैंने ढूंढा है, और बस मैंने ये कर दी। बस थोड़ा सा वर्टेक्स को हिला लो यहाँ वहाँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, ठीक है, ओके। यहाँ पे हो गया, बारी है इसकी, ठीक है। ये लूप देखो कैसे जा रहा है, अभी हमारा ये वाला लूप जो था, ठीक है, ये वाला लूप, ये पूरा ऐसा कंटिन्यू जा रहा था, ठीक है, कंटिन्यूसली घूम रहा था, एंड यहाँ पे जितने चाहिए वहाँ पे लूप्स डाल सकते थे। बट ये जो लूप है ना, ये लूप, ये अभी घूम नहीं रहा, बट हमें इसको घुमाना है, यस इसको घुमाना है। तो घुमाएंगे कैसे, ये जो है ना, ये इन दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा फेसेस को पहले, ठीक है। अब यहाँ से ही घूमना चाहिए, बराबर, बट घूमना ऐसा चाहिए कि ये जो साइड वाला जा रहा है ना, ये साइड वाला, ये हमारा मेंटेन रहे, याद है मैंने बोला था ये इसको मेंटेन रखना है। ये पूरा कनेक्टेड है तो पूरा कनेक्टेड ही रहेगा, तो इसको इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्टेड रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कनेक्टेड रख दिया, बीच में ये जो आ रहा बन रहा है कुछ, तो उसको डिलीट कर दिया, और इसको थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया यहाँ हुआ प्रॉपरली, एंड तुम लोग देख सकते हो अब हमारा ये लूप लूप है, ठीक है, बन गया। और ये भी हमारा मेंटेन्ड है पूरा, इसको भी हमने छेड़ा नहीं है कुछ भी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 लूप्स डालने हैं मुझे, अभी वो शेप हो जाए बराबर, बराबर शेप हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बस इसको फिल करना है। यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 16 वर्टाइसेस। हम लोग इवन इवन में खेल रहे थे, इसकी वजह से हमारे पास टॉप पर आ रहे हैं, ठीक है, इसे कभी इवन इवन में खेलना। कंट्रोल एफ ग्रेड फिल, और अच्छे से ग्रेड फिल हो जाएगा तुम्हारा। तो तुमको कुछ इतना मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा, सब ब्लेंडर करके दे रहा है तुमको। और फिर इसको फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे भी इसको फिल करेंगे, यहाँ पे भी इसको फिल करेंगे, यहाँ पे इसको फिल करेंगे। अब बचा है सिर्फ सामने वाला पार्ट, एंड सामने वाला पार्ट इसमें कुछ इतना खास नहीं है, फटाफट हो जाएगा। बस थोड़ा सा इश्यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आने वाले हैं 6 वर्टाइसेस, एंड हमारे पास यहाँ पे वर्टाइसेस कम, देख रहे हो, ये होने वाला है इश्यू। और ये इश्यू होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा ही ये इश्यू होता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इश्यू होता है। एंड ये लाइक कुछ इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुमको नीचे बल्ज चाहिए ना। मैं थोड़ा सा ना इसको स्मूथ आउट कर लूँगा, क्योंकि अभी कैसा है ना, ये थोड़ा सा अनइवन जैसा है, ठीक है। सो आई विल गो इनटू द स्कल्प मोड, स्लाइड रिलैक्स टूल यूज़ करूँगा, एंड शिफ्ट प्रेस करके इसको स्मूथ कर दूँगा। तुम ये रिटोपो फ्लो में जाके भी कर सकते हो, अगर तुम्हारा यहाँ पे कंट्रोल नहीं है तो, क्योंकि इसको कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा अच्छे से, पेन प्रेशर के साथ कंट्रोल करना पड़ता है, एंड मैंने इतना किया इसलिए मुझे जम रहा है ये। तुमको अगर नहीं जमेगा ना, बिंदास जाओ रिटोपो फ्लो में, वहाँ पे जाके स्मूथ मार लो। अब एक अच्छी चीज़ बताओ, ये जो लूप है ना, ये लूप
ये कनेक्ट करना है प्रॉपरली। ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये लूप जो जाएगा ये वाला, ये पूरा फेस कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब चाहे तब बेंडिंग के लिए, हमारे नकल्स के बेंड के लिए जितने हम लोग को लूप्स चाहिए एक्स्ट्रा वो डाल सकते हो वहाँ पे। एंड मुझे पता है ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है वीडियो, होना ही था क्योंकि हैंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले बोल दिया था, एंड ऑलमोस्ट हो गया है, तो थोड़ा सा और झेल लो ठीक है। इसको अभी हमें कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा ये फर्स्ट वाले को छोड़ के और यहाँ से भी इसको छोड़ के इनको पकड़ूंगा एंड एक्सट्रूड मारूंगा, और फिर ये एच को पकड़ के फिल, थोड़ा सा वर्टेक्स यहाँ वहाँ मूव करूंगा प्रॉपरली, और यहाँ पे हमें पोल भी मिल गया जो हमें चाहिए था ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करना था ना, अभी ऐसे ऐसे जानी चाहिए थे। अब हमारे पास ये एक लूप आ गया और ये एक लूप आ गया ठीक है, ये ऐसे ऐसे लूप्स आ गए अपने पास नकल्स के, नकल्स बोल रहा हूँ, फिंगर्स के बीच में से जाने वाले लूप्स, एंड ये बन गए हमारे बीच में नकल वाले लूप्स। तुमको अगर देखना है हाथ का टोपोलॉजी तो ये देखो फिंगर के बीच वाले लूप्स यहाँ पे रेड से मार्क किए गए, ये देखो रेड से मार्क किए गए, और ग्रे वाला जो कंटिन्यू हो रहा है, और नकल बन रहा है जिसको हम नकल बाद में बना सकते हैं चाहिए तो। यहाँ पे हमको इतना इश्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो बना सकते इजीली ठीक है, कुछ इश्यू नहीं आएगा। टोपोलॉजी पॉलीकॉन कुछ बनने नहीं वाला, उनको सिर्फ कट्स डालने हैं बस नकल बनाने के लिए, बट मैं यहाँ पे डालने नहीं वाला क्योंकि संभाल लेगा ये हो जाएगा, मुझे पता ही है चीज़ ठीक है, प्लानिंग में था मेरे इसलिए हो गया। अब हमें कनेक्ट करना है इन सब को ठीक है, इन सब को यहाँ पे कनेक्ट करना है इससे वाले पार्ट से। मैं क्या करूँगा एक ना सर्टिफाई मॉडिफाई डाल दूंगा, देखा सर्टिफाई मॉडिफाई डालते पीछे का ज्योमेट्री गायब हो गया। एंड मैं ब्लेंडर में जब रिटोपो करता हूँ मैं मोस्टली एक एड ऑन सोच रहा हूँ बना लूँगा खुद के रिटोपो फ्लो स्टार्ट करने के लिए, मतलब रिटोपो फ्लो स्टार्ट करने के लिए नहीं, रिटोपोलॉजी स्टार्ट करने के लिए ठीक है। एंड उसमें ये सारे मॉडिफायर्स अपने आप प्लेस हो जाएंगे एंड हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा एक इश्यू आ रहा है, एक एरर आ रहा है, उसमें बटन डालना है, एक बटन डालना बचा और एक थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, बाकी वो मैं जैसे रिटोपो करता हूँ उसका टेक्निक है वो ठीक है, उसके हिसाब से वो सब कुछ डाल देगा, बाकी तुम जैसे करते हो तुम्हारे हिसाब से तुम लोग बाद में बना सकते हो, बट मैं एक एड ऑन मेरे खुद के लिए बना रहा हूँ ताकि मुझे हेल्प हो जाए ठीक है। और तुमको यूज़ करना है तो मैं दे दूँगा ठीक है, जब बन जाएगा तब मैं दे दूँगा, एंड उसको गम रोड पे शायद डाल दूँगा जिसको सपोर्ट करना है मुझे, वो उसको परचेस करके मतलब कुछ डोनेट करके सपोर्ट कर सकता है मुझे, बट देखते। और तुम लोग को वो लाइक एड ऑन की ज़रूरत भी नहीं है, एड ऑन इसलिए बना रहा हूँ कि वो एक क्लिक में मेरे 10-12 काम एक साथ में कर देगा, ऐसा एड ऑन बना रहा हूँ और वही डेवलप कर रहा हूँ कोई डेवलपर नहीं है मेरे पास, मैं ही कुछ बना रहा हूँ ठीक है, इंजीनियरिंग का कुछ तो फ़ायदा उठाऊँगा ना मैं ऐसा, तो मैं खुद ही बना रहा हूँ एंड उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे हेल्प करने वाले लोग हैं, डेफिनेटली हेल्प करने वाले लोग हैं, क्योंकि मुझे ब्लेंडर का BPY नहीं पता मुझे कि ब्लेंडर का पाइथन लाइब्रेरी कैसा है, उसमें क्या क्या फंक्शंस है एंड क्या क्या नेम से है, वो सारे मुझे नहीं पता, तो मुझे वो सीखना पड़ेगा डेफिनेटली। तो मुझे हेल्प तो चाहिए थी और मुझे हेल्प मिल भी रही है ब्लेंडर के डिस्कॉर्ड सर्वर पे, तो होपफुली जल्दी हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ये सारे जो मॉडिफायर्स है अपने पहले से लग के आ जाएंगे एक बटन से, एंड फिर तुमको बस बनाते जाना है, रिटोपो करते जाना बस, तुमको मॉडिफायर लगाने का वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर जाके जो भी स्नैपिंग वगैरह ऑन करना वो भी करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो ऐड ऑन करके देगा, ऐसा मेरा प्लान है। कब बनेगा कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, तुझे बस देखना है मैं तो बस वेट करूँगा, हो जाएगा तो बांट दूंगा सिंपल ओके। अब मुझे जो करना था, ये देखो ये जो लूप जा रहा है ना, मुझे इसको छेड़ना नहीं है ठीक है, तो मुझे इसको छेड़ना जब नहीं था तो इसके नीचे वाले लूप से लूँगा मैं यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे पॉलीकॉन बढ़ाना है ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अभी कितने आ रहे हैं, ठीक है इसको डिलीट मारो, हाँ अभी यहाँ पे मेरे पास कितने वर्टाइसेस है, ऐसे काउंट करने से पहले मैं ज़रा इसको फिल कर लेता हूँ,
काम पड़ रहा है, एक डायमंड बनाना पड़ेगा, कोई तो बात नहीं, वी विल मेक अ डायमंड ओवर हियर इन माय सेंटर। तो डिलीट मारो, एच को डिलीट मारो, कंट्रोल एच, डायमंड बन गया, तो ये पूरा प्रॉपरली फिल हो जाएगा, यस बन गया, डन। ओके ओके, अब मैंने बस बीच में एक डायमंड बना दिया ताकि वो पॉलीगॉन बराबर से हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे हवे में क्यों है भाइयों, हवे में मत रहो, मैं इससे कनेक्ट हो जाओ प्लीज। हाँ ओके, अब मुझे जो करना था काउंट करना था मुझे, अरे हाँ ये मैं कन्वर्ट कंफर्म तो कर लूँ, खत्म ही नहीं किया। अब देख रहा हूँ ये एक लूप बन गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे से तुम लोग काउंट करोगे, वी हैव फोर वर्टाइसेस इन दोनों को छोड़ के, एंड इन दोनों को छोड़ के वी हैव टू वर्टाइसेस यहाँ पे, इस साइड पे दो है, इस साइड पे चार है, दो से हमको चार लेके जाना है, सिंपल है ना। या तो चार से दो लेके जाओ, दो से चार लेके आओ, या चार से दो लेके जाओ, चार से दो भी करना सिखाया मैंने तुमको, सिंपल, चार से दो लेके जाओ, सिंपल ऐसे, दो बार सिंपल बोला मैंने बट ऐसे। और लो बन गया तुम्हारा दो, अरे सिलेक्ट हो गया, खत्म। अब बस इसको फिल करना है, कुछ टफ था क्या? नहीं ना, कुछ टफ था ही नहीं, टोपोलॉजी यही तो चीज़ है, बस थोड़ा सा तुमको गाइडेंस चाहिए, थोड़ा सा तुमको टेक्निक सीखने है, एंड तुम्हारा टोपोलॉजी बस एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। बस ये एक चीज़ बन जाती है स्पायरल वाली, नॉर्मल है वो बनता है, एक ना एक स्पायरल तो बनेगा ही कभी भी तुम्हारे हाथ में ना कोई स्पायरल नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, इसमें भी स्पायरल है, ठीक है। मैंने सिर्फ दिखा दिया तुमको, एंड ये स्पायरल ऐसा हाथ में जाने वाला है, एंड ये वाला हाथ में जा ही रहा है ऑलरेडी, ये वाला भी हाथ में जाएगा, तो उसमें हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम लोग कुछ उतना करने नहीं वाले, तो जो पोल्स है वो मैटर करते थे और वो सही जगह पे है, इसलिए कुछ इशू नहीं होगा। अब बस हमें इसको फिल करना है, एंड फिल करने से पहले मुझे एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे वी हैव, इन दोनों को छोड़ के, लास्ट के दो पॉइंट्स को छोड़ के, वी हैव 10 वर्टाइसेस, ठीक है, वी हैव 10 वर्टाइसेस, एंड वापस ऊपर में अगर हम लोग इन दोनों को छोड़ दें, इसको और इसको छोड़ के, वी हैव 5 वर्टाइसेस, तो 10 वर्टाइसेस को 5 वर्टाइसेस में कन्वर्ट करना है। उफ यार, ये तो सोचा नहीं था, बट करना तो पड़ेगा, और करने के लिए मैं सबसे बेस्ट बोलूँगा यहाँ पे करेंगे, ये वाले एच पे, एंड करना भी है तो डायमंड्स बना के ही करना है ऐसे, लेट्स ट्राई, ठीक है। मैं अभी कुछ ट्राई ही कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कैसा काम करेगा, या फिर बनेगा भी नहीं बनेगा, बट मैंने सिर्फ ट्राई किया, एंड मैंने दो डायमंड्स बनाए, ये जो डायमंड है उसके ऊपर एक डायमंड, ये जो डायमंड है उसके ऊपर एक डायमंड बनाया, एंड कनेक्ट कर दिया इसको ऐसे, एंड नाउ वी हैव 6 वर्टाइसेस, और यहाँ पे हमारे पास है 5 वर्टाइसेस, ओह माय गॉड क्या करें। अगर मैं इन तीनों को मर्ज कर दूँ ऐसा, तो इस डायमंड के ऊपर भी एक और डायमंड, नाउ वी हैव 1, 2, 3, 4 वर्टाइसेस ओनली, एंड यहाँ पे हमारे पास है 1 से लेके 5 वर्टाइसेस, हाँ एक ट्रायंगल बनने वाला है, होता है ये हमेशा होता है, एक ट्रायंगल हमेशा कहीं ना कहीं बन ही जाता है, एंड बाद में वो सॉल्व करने का भी कोई तरीका रहता नहीं है, तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, मतलब उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं या फिर एल्बो पे सॉल्व करते हैं, बट अपना ये वाला जो एक रहता है बोन जो तुम्हारे रिस्ट के यहाँ पे रहता है वहाँ पे उसको सॉल्व करना रहता है, बट अभी है नहीं हमारे पास, सो वी विल ट्राई टू फिक्स इट समहाउ, बट उससे पहले मैं फिल कर दूंगा पूरा। तो मेक श्योर कि मैं काउंटिंग मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, हाँ काउंटिंग मिस्टेक नहीं है, यस देयर इज वन issue. Oh, okay. अरे मैंने ये किया फिर,
से वर्डा से रिलेट करो। मैंने सही किया था फिर। लेट्स रिवाइंड, यस लेट्स रिवाइंड, एंड इसको मैं वापस से सेम ही रख देता हूँ। ये जो डायमंड था इसको पूरा डायमंड मैंने हटा दिया। नाउ लेट्स फिल इट, देखते। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज, प्रॉपर था ये। मेरा कैलकुलेशन, वही मैं बोलूँ कैलकुलेशन बिगड़ा कैसे यार, मैं बोला कहीं ना कहीं बिगड़ गया होगा, बट नहीं प्रॉपर है। यस सो दिस इज़ आवर हैंड रेट टोपोलॉजी। एंड अगर तुम्हें लगता है कहीं पे भी थोड़ा बहुत स्पेसिंग वगैरह का कुछ इश्यू है, तुम लोग एक्स्ट्रा पॉलीगॉन ऐड कर सकते हो, मुझे पूछना भी मत, ऐड कर देना ठीक है। जहाँ पे तुमको लग रहा है कि यहाँ पे चाहिए हमको पॉलीगॉन, जैसे कि यहाँ पे चाहिए तुमको, मारो ना ऐड करो ना। मैंने कहा मना किया, बिंदास ऐड करने का। यहाँ पे भी चाहिए, इसको पकड़ो कंट्रोल बी मारो, डायरेक्ट ऐड करो ऐसा। इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो कंट्रोल बी करो, दो लूप्स ऐड करो, एक लूप से क्या होगा, ऐड करो बिंदास ऐड करो। जी 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 जी, ओके हैंड रेटोपोलॉजी खत्म। लास्ट बार एक बार रेटो फ्लो में चले जाएंगे ठीक है। एंड अभी मैं फुल स्किन करने में बैठ रहा नहीं हूँ, कि वी आर फिनिशिंग इट ओवर हियर, सिर्फ स्मूथ करके इसको फिनिश करने वाला हूँ। अरे हाँ यहाँ पे लूप्स डालने, बट कोई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स कर देते। ठीक है रिलैक्स हो गया, लेट्स गो बैक टू नॉर्मल ब्लेंडर। जी जी ई, ई दबाने से क्या होगा, इट विल स्नैप जो शेप है वो शेप वो बदल चेंज कर लेगा ऊपर वाले के हिसाब से। अरे यार अंतिम शेप से अपना रिलैक्स चला गया था। हाँ ठीक है, ओ शिट 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 शिट, मैंने जान नहीं दिया, यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है जी, हमारे पास बहुत बड़ा एनगॉन था। हाँ ठीक है, ओके नाउ इस वाले लूप को मैं पूरा पकड़ूंगा ठीक है। एंड आई विल प्रेस जी जी एंड ई। ई क्या करेगा, जो ऊपर वाला लूप है ना उसके हिसाब से तुम्हारे वर्टेसेस को अलाइन कर देगा इस वाले के हिसाब से, और एफ दबा के तुम लोग नीचे वाले के हिसाब से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जी जी ऊपर वाले के हिसाब से अलाइन हुआ ठीक है, एफ दबाऊंगा देखना नीचे वाले के हिसाब से अलाइन हो जाएगा, एफ दबाऊंगा ऊपर वाले के हिसाब से, तो ये चीज़ काम की है ठीक है। एंड मेरे को नीचे वाले के हिसाब से अलाइन करना था, ऊपर वाले के हिसाब से कर दिया, बट और यहाँ पे एक और लूप डालना था मुझे ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे भरने थे लूप्स ऐसे। अब रेट ऑफ फ्लो में जाओ एंड स्मूथ करो, बस काम खत्म, अपना काम खत्म, स्मूथ करना भी सिर्फ रिलैक्स, और थोड़ा हल्के हल्के से करना ठीक है, हो सके तो ब्रश का साइज भी कम कर लेना। क्या दिखता है ना मस्त है, तो सब सिलेक्टेड वाटर से सब ग्रीन ग्रीन अच्छा दिखता है। मैं जैसे स्मूथ कर रहा हूँ देख रहे हो स्नैप होते जा रहा है, इसलिए पूरा हाथ स्मूथ मार लेना, क्योंकि तुम लोगों ने लूप्स डाले कंट्रोल आर दबा के लूप्स डाले तुमने, एंड वो स्नैप नहीं होता ब्लेंडर में, उसका स्नैप टर्न ऑन करोगे ना ब्लेंडर का तो फिर भी स्नैप नहीं होगा जो तुम लोग लूप्स डालोगे वो लूप्स, तो इसलिए यहाँ पे स्मूथ मार लेना पूरा हाथ। एंड एक मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने अभी जस्ट इस कपड़े को शर्ट को रेटोपोलॉजी किया ठीक है। एंड शर्ट के रेटोपोलॉजी एक से मिरर क्यों डाल रहा हूँ मैं, डिस्प्ले वायर एंड इन फ्रंट हटाने का। एक मजेदार बात, जो ये एज है ना लास्ट वाला एज, इसमें 16 वर्टाइसेस है, एंड हमारे शर्ट में भी जो अंडर का एज है पूरा लास्ट वाला एज ठीक है, उसमें भी 16 वर्टाइसेस है। हम लोग सीधा इसको फिल मार सकते हैं, सीधा फिल, समझ रहे हो, कैलकुलेशन करके बनाया, इसकी वजह से सीधा फिल कर सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको कम करो इसको ज़्यादा करो, हो गया सीधा। सो दिस इज़ आवर रेटोपोलॉजी प्रोग्रेस ठीक है। इसका वॉल फ्रेम चालू कर लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा सा शो पीस के लिए,
तो हम लोगों ने इस पार्ट में लिथोग्राफी ख़त्म किया है, शर्ट और हैंड का। हैंड का थोड़ा सा अनुमान तो डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा बार बार देख लेना, एक दो बार हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो बिंदास कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना, ज़रूरत पड़ा तो एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में आज डाल दूंगा मैं, बट अभी के लिए यही है, ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव एंड बाय बाय।